नमस्कार, मैं बसंती साहू मॉम्स किचन में आपका स्वागत करती हूँ। मैं इस चैनल में आपके लिए बहुत ही इजी और यूनिक रेसिपी लेकर आती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी लेकर आऊँ तो सबसे पहले वो आपको मिले। आज हम सीखेंगे आम पना कैसे बनाते हैं। आम पना बनाने के लिए यहाँ हमने आधा किलो आम को छील लिए हैं और छील के इसे उबालने के लिए कुकर में डाल देते हैं और ऊपर से दो गिलास पानी डाल देंगे। दो गिलास पानी डालने के बाद में ढक्कन बंद करके इसे 3 से 5 सीटी होने तक पकने देंगे। जब यह पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब इसे निकालेंगे और इसे निकाल कर बाउल में डाल देते हैं। देखिए कितना अच्छा से पक गया है, वाओ, बहुत अच्छा से पक गया है आम। आम को अब मैश कर लेते हैं। मैश कर सकते हैं या फिर चम्मच से भी निकाल सकते हैं और इसे हम हाथ से भी निचोड़ सकते हैं। हाथ में निचोड़ने से भी बहुत अच्छा से इसका पल्प निकल जाता है और सभी रेशा गुठली के साथ रह जाता है। तो इस प्रकार से देखिए सबको निचोड़ लिए हैं और सब गुठली के साथ में रेशा रह गया है। और जब पीस में काटते हैं तो ये सब पीस में चला जाता है और ऐसे उबालने से सब गुठली के साथ रह जाता है। अब इसे एक जार में डाल के पीस लेंगे। ऐसे जार नहीं है तो ज़रूरत नहीं है, नहीं पीसेंगे तो भी चलेगा। एक बार पीस लिए हैं और स्ट्रेनर में इसे छान लेंगे। नीचे बाउल रख दिए हैं और चलिए इसे छान लेते हैं। आम पना हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस प्रकार से आम पना बनाते हैं तो लू लगने से बहुत अच्छा बचाता है। लू लगा रहता है उसको एक गिलास आम पना दे देंगे तो लू से शांति मिल जाती है, राहत मिलती है और अच्छा हो जाता है। और ऐसे स्वाद में भी बहुत ही अच्छा रहता है। जिनका शरीर थोड़ा सा ठंडा है वो कम मात्रा में लें और जिनका शरीर गर्म है वो आराम से पी सकते हैं। और जिनको शुगर है वो शुगर ना डालें, शक्कर ना डालें, खाली नमक में भी पी सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, वाओ, कितना अच्छा से बन गया है हमारा पल्प, तैयार हो गया है। अब इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। एक जार में 1 कटोरी शक्कर और 50 ग्राम पुदीना पत्ती, धोए इसलिए कलर चेंज दिख रहा है, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच काला नमक, सभी को मिला के पानी डाल के इसे पीस लेंगे। देखिए पीस लिए हैं, अब इसे भी छान लेते हैं ताकि इसमें भी जो रेशा रहेगा पत्ती का वो भी निकल जाएगा। देखिए सब निकल गया है, अब इसे बाहर कर देते हैं। अब हमारा आम पना तैयार है। अब इसमें थोड़ा टेस्ट कर लिए हैं, थोड़ा इसका क्वांटिटी कम है शक्कर का, तो 1 कटोरी शक्कर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच सेंधा नमक फिर से डाल के मिला देते हैं। वाह, कितना अच्छा से बन गया है। अब इसे 2 चम्मच डाल देंगे गिलास में और इसी में फिर पानी डालेंगे। और यदि आप कम खट्टा मीठा चाहते हैं तो 1-1 चम्मच डाल के बना सकते हैं। अब इसमें फ्रिज का पानी डाल सकते हैं, आइस क्यूब भी डाल सकते हैं और मटका का पानी डालेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। अब टेस्ट कर लेते हैं। इसका सभी क्वांटिटी बहुत ही अच्छा है और खट्टा नमक सभी अच्छा है। और बाकी जो बचा है उसे हम फ्रिज में भर के रख देंगे और ये हमारा आम पना बन के तैयार है। यदि मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।